क्या मिनिमम डाउन पेमेंट करना है, क्या ईएमआई बनेगी? इसका जो सालाना सेविंग्स है गाड़ी का, हाँ, वो 40,000 रुपए सेविंग्स है कंपैरिजन टू पेट्रोल। चार्जिंग टाइम क्या है? बैटरी का लाइफ सर 10 साल का है इसका, ठीक है। घर के नॉर्मल चार्जर में चार्ज हो जाएगा क्या? एंड हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, 6999 लेके आइए, iQube लेके घर जाइए। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है TVS की इलेक्ट्रिक स्कूटी, जी हाँ iQube, जो इनका टेक है एक इलेक्ट्रिक मार्केट को कॉन्कर करने का। तो इस स्कूटी का आज हम बिल्कुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और बहुत सारी मिथ जो है मार्केट में वो भी बस्ट होने वाली है, एंड बस्ट मैं नहीं करूँगा। और आप लोगों ने मुझसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, और पिछले जब मैंने स्कूटीज़ की रिव्यू डाली थी उसमें, तो वो सब भी मैं आज यहाँ के एक ऑफिशियल पर्सन से आपको सारे आंसर्स दिलवाऊंगा। कुछ मुझे भी पता चलेगा, कुछ आपको भी पता चलेगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग मुझे भागलपुर से देख रहे हो और TVS का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ का एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस को कॉपी कीजिए, गूगल मैप पे पेस्ट कीजिए और फिर आ जाइए TVS के शोरूम। हर चीज़ मिलेगी, हेलमेट से लेके स्कूटी बाइक सब कुछ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्कूटी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चलिए फिर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम मैं फ्रंट की बात करूँ तो आपको सबसे आगे DRL देखने को मिल जाता है और आपको नीचे यहाँ पे LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं आपको इसका ब्राइटनेस भी दिखा देता हूँ। देखिए अभी तो ये फिर भी कम लग रही है, पर नाइट्स को जब आप ट्रैवल करोगे तो ये लाइट मोर देन इनफ है इंडियन रोड्स के लिए। चलिए अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा और का, तो इसमें हमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, वही डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलता है। अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो हमें 90x90 का 12 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो इंडियन रोड्स के लिए फिर मोर देन इनफ है। चलिए ये तो होगी फ्रंट की बात। अगर मैं रेयर की बात करूँ तो इसमें भी हमें एक LED बैकलाइट देखने को मिल जाता है, पार्क असिस्ट की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि मैं अभी फीचर में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम उसको। एंड हाँ, एक चीज़ और बहुत खूबसूरत लगता है, अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे TVS इलेक्ट्रिक की बैजिंग है और ये जलती है। वेट, लेट मी शो यू। जैसे हम स्कूटी को स्टार्ट करते हैं ये एकदम खूबसूरत सा लगता है, अभी तो खैर उतना नहीं लग रहा, पर आप जब रात में लेके निकलोगे इसे तो जब भी आप ब्रेक लोगे या स्कूटी स्टार्ट ऑफ या ऑन करोगे ऑफ करोगे तो ये जलती है, जो काफ़ी एकदम प्रीमियम लुक देती है हमारी स्कूटी को। एंड फिर यहाँ पे हमें 3D बैजिंग देखने को मिलती है iQube इलेक्ट्रिक की। तो चलिए हम इसकी बूट स्पेस देखते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगने वाली है। इसे हमें मैन्युअली ओपन करना होता है और ये देखिए बूट स्पेस, जी हाँ, स्ट्रेट अप 2 हेलमेट रखने का हमें यहाँ पे जगह मिल जाता है। एंड इसकी जो इसमें यहाँ पे अपना चार्जर भी लेके चल सकते हो, अगर आपका स्मार्ट इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिक चार्जर्स हैं आपके सिटी में, तो ऑब्वियसली बात है कोई बात नहीं, आप चार्जर लेकर चलो, फिर भी आप में काफ़ी स्पेस मिलेगी हेलमेट रखने का। एंड हाँ, एक और चीज़ देखिए, इसमें आप हमें चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने कैमरास को डिक्की में रखकर आराम से इसे चार्ज में लगा के चार्ज भी कर सकते हो। तो चलिए, मैंने आपको सबसे खूबसूरत चीज़ तो दिखाई नहीं, वो है इसकी की। हमें फ्लिप की देखने को मिलती है, एक्चुअली हमें 2 की मिलती है, एक जो नॉर्मल हमारे जो हर स्कूटी के साथ हमें देखने को मिलती है, एक ये फ्लिप की है। इससे कुछ नहीं है, आप आराम से फ्लिप कर पॉकेट में रख सकते हो। एंड एक और चीज़ है जो इसमें देखने को मिलता है, वो है इसका टॉर्च। जी हाँ, आप देख सकते हो, ये देखे, मतलब कि अगर अंधेरा है आपको, मतलब की दिख नहीं रहा, न्यू स्कूटी है तो आदत नहीं होती है इंसान को, तो आप आराम से लाइट जलाकर भी अपना एक बार दबाओगे फ्लिप की से ऑपरेट कर सकते हो। तो की भी इसकी काफ़ी अपीलिंग है। तो अगर हम लेग रूम की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन लेग रूम मिलती है, और यहाँ पे हमें होल्डर भी मिलता है सामान मतलब कि रखने को, पर इसमें लिखा है ना कि up to 3 kg, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, मुझे लगता है 3 kg तक का ये सामान ले सकती है, तो हेलमेट वगैरह लटकाने के लिए बिल्कुल सही है। होता है कई बारी कि आप विद इन सिटी होते हो, बहुत ज़्यादा धूप है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप हेलमेट वगैरह टांग लो फिर अपना वो कर लो, ऐसे आपको करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करने वाले तो करते ही हैं। आइए अब मैं आपको इसका स्क्रीन दिखाता हूँ। अगर मैं अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो काफ़ी खूबसूरत लगती है इसकी हमें iQube की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को, हमें iQube की बैजिंग दिखती है, एंड आफ्टर दैट वेलकम iQube लिख कर आता है। ये बैटरी दिखा रही है कितनी परसेंट चार्ज है, ये तो 95% हमारी बैटरी चार्ज है, और इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो DTE लिखा हुआ है। इसमें ये दिखाता है कि अभी जितनी परसेंटेज आपकी बैटरी चार्ज है उस पर ये कितनी किलोमीटर चल सकती है। अगर मान लीजिए आपने कोई ट्रिप प्लान किया है और आप मतलब स्कूटी स्टार्ट कर लो, देख लो कितनी किलोमीटर ये चल सकती है, उसके अकॉर्डिंग अगर बैटरी को फिर से चार्ज करना तो चार्ज कर लो, या अगर लगे कि सफिशिएंट है तो यार रेडी टू गो। एंड हमारी स्कूटी स्टार्ट हो गई है, फिर कुछ इस तरह का हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4.5 इंच का TFT डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। एंड अगर आप करीब से स्क्रीन को देख रहे होगे तो आप हमें यहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, नेटवर्क देखने को मिल जाता है, मैसेज देखने को मिल जाता है। अगर आप स्कूटी चला रहे हो, कोई मैसेज इंपॉर्टेंट मैसेज आपको स्क्रीन पर भी दिख सकता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ों का ध्यान रखती है TVS की हमारी iQube स्कूटी। एंड स्कूटी में 2 मोड आते हैं, इको एंड पावर मोड। इको फॉर अपना सिटी राइड्स के लिए, एंड पावर मोड अगर आपके पास लगे ज़्यादा या पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है, आप हैं, पीछे कोई भी हो सकती है, एंड अगर आगे बच्चा है तो
आपको पावर मोड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्कूटीज़ है, अगर मैं अभी मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ और इसकी बात करूँ तो ये थोड़ी भारी है एंड थोड़ी बल्की लगती है देखने में। इसके कॉम्पिटिटर के आप पता है मुझे किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा मतलब बेहतरीन है क्योंकि ये ना रोड पकड़ कर चलती है सिंस ये थोड़ी हैवी है तो। एंड TVS का रिलायबल ब्रांड आपको मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप इसकी कॉम्पिटिटर की बात करो तो हर 50 से 60 किलोमीटर पे TVS का आपको देखने को मिल जाएगा शोरूम। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप किसी ट्रिप पर भी हो तो आप आराम से अप्रोच करके ठीक करवा सकते हो। एंड कस्टमर का तो ध्यान रखती ही रखती है TVS, इन्होंने पुलिस का भी अच्छे से ध्यान रखा है। हमारे जो ट्रैफिक के कैमराज होते हैं, अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया तो यहाँ स्पेशली लाइट मिलती है जो आपके नंबर प्लेट पर पड़ेगी और आपका आराम से कैमरा में फोटो आ जाएगा। तो अगर आप iQube चला रहे हैं तो ध्यान रखें कोई भी ट्रैफिक लाइट्स ना तोड़े। ये देख रहे हो वो है स्कूटी की चार्जर। अब देखो चार्जिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर दी हुई है स्कूटी के, ठीक है आप लोगों ने देख लिया। एंड ये उसका चार्जर, काफ़ी भारी, काफ़ी हेवी है और काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। एंड प्रीमियम इस वजह से भी लग रहा है और हेवी इस वजह से भी है क्योंकि इसके अंदर एक फ़ैन है। अगर चार्जर आपका हीटअप हो जाए तो वो फ़ैन इसे कूल डाउन कर देता है। एंड अगर मैं वायर कैपेसिटी की बात करूँ तो वायर से काफ़ी लंबी है, मतलब एक जो नॉर्मल हाउस होल्ड में या पार्किंग में हमारी जो होती है चार्जिंग पॉइंट्स, तो वहाँ से आपकी स्कूटी को आराम से वायर पहुँच जाएगी, इतना तो ये ऑलरेडी देते हैं। तो ये थी इसकी चार्जिंग की बात। अब अगर मैं बैटरी पैक की बात करूँ तो 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक हमें देखने को मिलता है जो IP67 सर्टिफाइड है, मतलब बारिश आंधी तूफान किसी का फ़र्क नहीं पड़ेगा अपनी आपकी बैटरी को, बहुत ही रिलायबल है ये, ठीक है और ड्यूरेबल भी है। एंड अगर मैं मोटर की बात करूँ तो 4.4 किलोवाट का मोटर है इसके अंदर जो हमें जो टॉप स्पीड है वो 75 का प्रोड्यूस करता है एंड 33 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो। एंड अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 150 mm का देखने को मिलता है, सीट हाइट हमें 770 mm का देखने को मिलता है। एंड हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि जो इसकी 0 to 60 है वो सिर्फ 4 सेकंड में ही अचीव कर लेती है। सो अब इलेक्ट्रिक्स भी पेट्रोल वगैरह से पीछे नहीं है इन चीज़ों में। एंड अगर मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 1,55,000 है इसकी एक्स शोरूम प्राइस, जो आप इसके कॉम्पिटिटर से ना आपको ये काफ़ी कॉस्टली लगेगी, लेकिन वही बात है महंगी है पर ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें और हाँ सड़क पकड़ कर चलती है तो थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा मिलती है इसके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या मिनिमम डाउन पेमेंट करना है, क्या EMI बनेगी अगर हम iQube लेना चाहें तो। तो चलिए मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। जो मिनिमम डाउन पेमेंट है इसकी वो है 6,999, जी हाँ उसका आप अपना स्कूटी लेके जा सकते हो। और EMI में एक रेंज आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो कम्प्लीटली आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आपका सिविल कैसा है, लेकिन हाँ 6,999 लेके आइए, iQube लेकर घर जाइए। तो ये सारी तो हो गई टेक्निकल बातें, पर जो प्रैक्टिकल बातें हैं जब एक बंदा स्कूटी खरीदने आता है, देखो इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे कल्चर के लिए बिल्कुल न्यू है, तो कुछ प्रैक्टिकल सवाल है कि घर में नॉर्मली चार्जर से चार्ज कर पाऊंगा कि नहीं, क्या रेंज है क्या नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन आपने मुझे पूछे थे उसका मैं लिस्ट बना कर आया हूं, और मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन का जवाब मुझे भी नहीं पता होता है, तो यहां एक ऑफिशियल पर्सन अभी खड़ा होने वाला है TVS का, वो सारे क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगा, मैं भी जानूंगा आप भी जानेंगे। तो चलिए फिर अब ये राउंड स्टार्ट करते हैं। ये तो थी हमारी बेस वेरिएंट, अब उससे टॉप वेरिएंट भी हमारे पास आ गई। बहुत लोगों का सवाल था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है आज सारा डिस्कस होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं जो iQube पे एक्सपर्ट हैं यहाँ TVS में। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं और मेरे सब्सक्राइबर दोनों जानना चाह रहे हैं कि इसके फीचर क्या है, मतलब ऐसा क्या है TVS के इलेक्ट्रिक में जो इसे बाकी कंपनी के इलेक्ट्रिक से अलग करती है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आप बॉडी साइज़ देख रहे हैं ये एक फुल फैमिली गाड़ी लगती है, आपको देखकर बिल्कुल ये नहीं लगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है। एक प्योर इसका जो बॉडी साइज़ है एकदम हार्ड, इसका बॉडी फाइबर वगैरह जो एकदम हार्ड है सर, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ी बिल्कुल नहीं बोलेगा क्योंकि एकदम लगेगा पेट्रोल वाली गाड़ी की लुक है इसकी, ठीक है। बाकी ओला वगैरह का अगर आप देखेंगे तो एक पतली गाड़ी लगती है, ठीक है। आइए बाकी हम आपको फीचर्स के बारे में इसके बता देते हैं, ठीक है। ये जो iQube S है इसको बेस प्लस मॉडल बोलते हैं, ठीक है, वो iQube है जिसको बेस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि iQube इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, इसमें iQube S लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है वो 4.5 inch का डिस्प्ले है बेस वाला, और ये जो बेस प्लस मॉडल है जिसको बीच वाला मॉडल है ये 7 inch का डिस्प्ले है इसमें, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है, हाँ ये पहला डिफरेंस है, ठीक है। बाकी इसका वाइजर बड़ा है, उसका वाइजर छोटा है। इसमें आपको यहाँ पे एक जॉयस्टिक मिल जाएगा यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। जॉयस्टिक इन द सेंस क्या है, इसमें एक आपको डिस्प्ले सेटिंग्स मोड गाड़ी का आप इसमें क्या कर सकते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप रख सकते हैं सेव करके, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कैरी करना पेपर, ज़रूरी है। अच्छा है? इसमें और मतलब इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जैसा रख सकते हैं सेव करके आप, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी, हाँ सॉफ्ट कॉपी, वो चीज़ आपको उसमें जॉयस्टिक वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और उसका जो वो डिस्प्ले है ना उसका जो ब्राइटनेस है ना वो ऑटोमेटिक है, मतलब डे और नाइट मोड में वो ऑटोमेटिक खुद खुद से, और इसमें जो है वो मैनुअल है, मतलब आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है।
बाकी इसमें और दोनों में दोनों का जो रेंज है गाड़ी का सेम है, ठीक है। जैसे एक फुल चार्ज जब आप करेंगे गाड़ी तो इको मोड पे डाल के चलाएंगे तो 100 से 105 किलोमीटर तक का रेंज देगी गाड़ी, ठीक है। और पावर मोड पे आप डाल के चलाएंगे तो 75 किलोमीटर तक का रेंज देगी गाड़ी, ठीक है। और बाकी जो इसमें हम बता देते हैं आपको, इसमें एक क्रैश अलर्ट भी आता है। ओके, क्रैश अलर्ट क्या है, जैसे कि आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप गाड़ी में 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो सपोज आपका गाड़ी क्रैश कर गया कहीं, ठीक है, तो जैसे ही क्रैश करेगा आपका लाइव लोकेशन विथ मैसेज उस 3 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के पास चला जाएगा, ठीक है। इसमें एंटी थेफ्ट जो होता है, एंटी थेफ्ट भी है इसमें। एंटी थेफ्ट क्या है, इसमें जैसे कि चोर आपका सपोज गाड़ी चोरी करके लेके जा रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो 50 मीटर के आगे जाएगा गाड़ी, ठीक है, तो आपके फ़ोन पे तुरंत एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। चलिए, ये तो फीचर्स जो है ही, और भी बाकी छोटे छोटे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं जो डायरेक्ट मुझसे पूछा गया है, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन जो फ्लुएंट आता रहता है, पहला मतलब दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में कि चार्जिंग टाइम क्या है और कैसे मतलब घर के नॉर्मल चार्जर में चार्ज हो जाएगा क्या, तो दोनों पे डिस्कस कर दीजिए जी। इसका जो चार्जिंग टाइम है ना सर, वो 4.5 से 5 घंटे का चार्ज है, ठीक है। तो जब आप चार्ज भी करेंगे ना तो आपको शो हो जाएगा कि जैसे 95% चार्ज है, तो और इतने किलोमीटर चलेगा वो भी शो करेगा आपको, ठीक है। और जैसे आपने पूछा कि घर में नॉर्मल ऐसे चार्ज हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, तो वो डिपेंड्स आपके घर में अर्थिंग है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल वायरिंग है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि एक स्कूटी है सर, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो थोड़ा लोड लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अगर किसी के पास पुरानी वायरिंग है तो अगर वो एक बस चार्जिंग पॉइंट निकालने मीटर से तो वो चार्ज कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर वायरिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटर चार्जिंग, ठीक है, वो होगा। ये तो आजकल के घरों में एसी में भी देखा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग वायरिंग जरूरी है, तो सेम स्कूटी के लिए है। स्कूटी के लिए भी है सर, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे फुल चार्ज करूँ तो ये मेरा कितना पॉकेट ढीला करेगा, मतलब लोग तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक्स आर अफोर्डेबल, तो ये कितना अफोर्डेबल है मुझे ये बता दीजिए आप। सर जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, जब आप फुल चार्ज कीजिएगा तो सिर्फ आपका 3 यूनिट बिजली उठेगा इसका, ठीक है। सपोज़ आपके इधर अराउंड घर के 8 रुपये यूनिट होगा, 8 × 24 और 30 दिन का 750 के आसपास, मतलब महीने के हिसाब से, और सालाना 8000 समथिंग हो गया। तो इसका जो हम ये भी बता देते हैं, इसका जो सालाना सेविंग्स है गाड़ी का वो 40000 रुपये सेविंग्स है कंपेरिजन टू पेट्रोल। पेट्रोल से अगर मैं इलेक्ट्रिक को कंपेयर करूँ तो आप साल में 40000 बचा लेंगे सर। एक बहुत बड़ा अमाउंट है जी सर, सालाना इसका बोला ना सर मैंने कि 8000 लगभग खर्चा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ईयरली 8000 के अराउंड इसका वो है जी जी बिल्कुल। और अगर जैसे एक खर्चा मोटा है इसमें तो बैटरी का हो जाता होगा जी जी, तो बैटरी का क्या लाइफ है? बैटरी का लाइफ सर 10 साल का है इसका, ठीक है, और गारंटी है मोटर और बैटरी का 3 साल का है सर, ठीक है। 5 साल आप निश्चिंत रहिए सर, कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बैटरी ड्रेन होती है तो हम चेंज वगैरह करा सकते हैं जी सर, ठीक है। एक और सवाल रहता है जो थोड़े ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए, कि मेरी तो फैमिली है, मैं अकेले चलूँ तो ये कितना माइलेज देगी या क्या रेंज है इसका, और अगर मैं फैमिली वाइफ हो जाएं, बच्चे हो जाएं, उनको लेके चलूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सेम है या कुछ फ़र्क पड़ता है? रेंज का सर कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है, सेम चलेगा, ठीक है। आप ट्रिपल लोडिंग पे भी चलाएंगे, बस आप इको मोड पे ना डाल के पावर मोड पे चलाएं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है। तो जर्किंग वगैरह कहीं है, आप ट्रिपल लोडिंग पे हैं गाड़ी, तो आप पावर मोड पे डाल के चलाएं तो बिल्कुल गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगा सर। मतलब स्मूथ चलेगी लेकिन रेंज तो कम हो जाएगी थोड़ी? नहीं सर, रेंज में कोई इशू नहीं आएगा, रेंज वही देगा जो लिखा हुआ है, 75 है पावर मोड पे तो 75 ही देगा सर। ओके, इको में 105 है, 105 और पावर में वो, अगर फैमिली लेके चलो तो पावर पे चलो जी सर, ठीक है। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा फीचर बताना भूल गया था, वो ये है कि यहाँ पे टायर है ना, हाँ, टायर के यहाँ पे एक मोटर भी यहाँ पे लगा हुआ है साथ, ठीक है। तो इसमें ये है भी, ये फीचर ये है कि आप कम से कम ब्रेकिंग यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं ब्रेक आप यूज़ करें, अदरवाइज जैसे आप ये रेस देते हैं हम, ठीक है, तो रेस देते हैं तो रेस जैसे छोड़ते हैं तो स्पीड स्लो होता है, तो वो जब स्पीड स्लो होता है ना, ये मोटर यहाँ पे जो लगा हुआ है टायर पे, ठीक है, वो जो एनर्जी है जनरेट हो जाती है, ठीक है, बैटरी और चार्ज हो जाती है उससे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इसमें स्पेशल फीचर दिया गया है, ठीक है। इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आप लोगों ने मुझसे जितना सवाल पूछा था मैंने इनसे पूछा, होपफुली आपको आंसर्स मिल गए होंगे। अगर कोई नया इशू है तो आप मुझे वो इस वीडियो के नीचे बता दो, मैं फिर कभी आऊँगा तो इनसे पूछ लूँगा, एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपके सारे मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर। तो अगर आप लोग देखना चाहे, अगर भागलपुर से देख रहे हो तो आप आओ, विजिट करो, टेस्ट राइड लो, पसंद आए वही है कि अपना टेस्ट राइड पहले ही बुक कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, फिर आप टेस्ट राइड लेना, पसंद आए तो लेना, वरना अगर हम मुझसे पर्सनली बोलोगे तो जो भी इलेक्ट्रिक कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ये स्कूटी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि मैंने खुद भी इसे राइड किया है, तो मेरे तरफ से तो थम्सअप है। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।